कान्हा, बालक को मार पाना तो असंभव है। दाऊ, आपके मुख से ऐसी निराशावादी बातें शोभा नहीं देती। हारने से पहले नहीं, नहीं, हार नहीं मानी। वो सब तो ठीक है कान्हा, परंतु अर्शलोक में बालक के अतिरिक्त अर्थ अश्व मानव तो है ही नहीं, और हम इस अर्शलोक के बाहर जाकर किसी की खोज कर नहीं सकते। फिर हुआ नहीं असंभव कार्य। दाऊ, इस संसार में असंभव कुछ नहीं होता, और प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती है। दाऊ, देखो कान्हा, प्रयत्न करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु पता तो हो किस दिशा में। दाऊ, इस संसार के रचयिता ब्रह्मदेव है, उन्होंने ही हर प्राणी की रचना की है। इस प्रश्न का उत्तर भी उन्हीं के पास होना चाहिए। दाऊ, तो क्या हम लोग ब्रह्मदेव को पुकारेंगे? कान्हा, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? पुकारने से ही तो भगवान आते हैं, और भगवान कभी भी अपनी भक्त की पुकार अनसुनी नहीं कर सकते। तो फिर चलो, हम ब्रह्मदेव को ही स्मरण करते हैं, उन्हीं से इस अर्ध अश्व मानव नामक पहेली का हल पूछते हैं। किंतु कान्हा, हम दोनों एक साथ उन्हें नहीं पुकारेंगे, अपितु भिन्न भिन्न स्थानों से पुकारेंगे। ठीक है? ठीक है दाऊ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रुक जाओ बालक, हमें तुम्हारे मिथ्या आदर की आवश्यकता नहीं। हे संसार के भक्ति के स्रोतों, इस प्रकार हमारी भावनाओं का तिरस्कार मत करो। वैसे भी तुम्हें मिलने वाला ये अंतिम सम्मान है, तो इसे खुले हृदय से स्वीकार करो। अब हम ज्ञान अनुष्ठान का आरंभ करेंगे, और ऋषि कुमार, आप अपने ज्ञान श्लोकों का पाठ करेंगे, और हम अश्वगण उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात क्या होगा? होगा संसार से भक्ति का अंत। ये तुम नहीं, तुम्हारा ज्ञान बोल रहा है कि अंत भक्ति का नहीं, अपितु तुम्हारा होगा। कौन करेगा मेरा अंत? कारो से जरा मैं भी तो देखूं। प्रणाम महाराज। महाराज, वे दोनों बालक स्वस्थ हो चुके हैं और आपके अंत की योजना बना रहे हैं, और महारानी ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया है। बनाने दो योजनाएं, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है, वो बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही तो चिंता का विषय है महाराज। वे बालक आप जैसा रूप धारण करने की योजना बना रहे हैं महाराज। मूर्ख है वो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मुझ जैसा इस संसार में द्वितीय कोई नहीं। अभी भी समय है बालक, अधर्म का पाठ छोड़ दो, मान लो हमारी बात। अच्छा, क्यों मान लूं मैं तुम्हारी बात? क्योंकि वो दोनों बालक साधारण बालक नहीं है, उनमें से एक मोर पंखधारी विष्णु के अवतार है। तुम्हारे उन्हीं प्रभु के अवतार है जिनके तुम रथ खींचा करते थे। इस कारण मैं कहता हूँ, जाकर क्षमा मांग लो। शाल हृदय है उनका, तुम्हारा और तुम्हारे साथ जो अश्व है उन सबका उद्धार हो जाएगा। प्रभु किसी का अहित नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा धर्म अभी दंड की श्रेणी में नहीं आया। समय रहते प्रभु के शरण में चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। शांत रहो, एक शब्द और नहीं। वो मेरा नहीं, मैं इस संसार का उद्धार करूंगा, इसका अधिपति बनकर। भूल जाओ उन बालकों को, और मेरी बात ध्यान से सुनो। जाकर कल के महानुष्ठान की प्रस्तुति करो। कल प्रातःकाल महानुष्ठान के संपन्न होते ही इस संसार से भक्ति का अस्तित्व मिट जाएगा, और उसके साथ ही मैं सदा के लिए अजय हो जाऊंगा।
देवी राधा, आंखें खोलिए। जागिए देवी राधा, अपनी आंखें खोलिए देवी राधा। प्रणाम देवी। देव ऋषि, आप और पृथ्वी लोक पर आपकी आने का कोई विशेष कारण? हाँ माते, इस संसार पर बहुत बड़ा संकट आ गया है और इस संकट को केवल आप ही समाप्त कर सकती हैं माते। देव ऋषि, आप किस संकट की बात कर रहे हैं और इस संकट को हम किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं? माते, इस अधर्मी कंस ने हम समझ गए देव ऋषि, आप चिंता मत कीजिए, अब कंस किसी का कोई अहित नहीं कर सकता। नारायण नारायण, मुझे आज्ञा दे माते। शुभ कार्य में इतना विलंब क्यों? भद्राक्ष जी, भगवान भगवान आयो आयो, देवी लक्ष्मी आई। हाय लक्ष्मी, आइए आइए, संभल संभल के पग धरिए। आइए भगवान, देवी लक्ष्मी आपका स्वागत है। आप जानती हैं, आपके जीवन के साथ साथ इस सृष्टि का एक नया अध्याय भी आरंभ हो रहा है। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो इस शुभ विवाह को रोक सके। आपका वो चक्रधारी भी नहीं पंडित जी, देवी लक्ष्मी, अरे ये क्या है गा? है विवाह के फूल में धूल कौन बरसाने लग गया? है जी, किसका यह दुस्साहस? सामने आ। कंस के शुभ विवाह में आपका स्वागत है काली देवी। लक्ष्मी की अवतार राधा दोनों यहां किंतु आप तो एक बालिका हैं, स्त्री भी नहीं है। आप आई हैं माता लक्ष्मी की रक्षा करने। कंस, प्रत्येक स्त्री आदि शक्ति का रूप होती है और आज वही शक्ति तुम्हारा अंत करेगी। आदि शक्ति अंत करेगी, ये तुम्हारा अधर्म है जिसने तुम्हें भीतर ही भीतर शक्तिहीन कर दिया है। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? धर्म और
रक्षा करने हेतु मैंने ये रूप धारण किया है। तुम तो एक साधारण बालक से कहीं विशेष निकले, किंतु तुमने ये रूप क्यों धारण किया? तुम्हें इसी रूप द्वारा हत्या का वरदान है ना, आज वो वरदान पूर्ण होगा। काना, इस अश्वलोक में मुझसे ज्यादा बलवान और कोई नहीं हो सकता। आज मैं अपनी मृत्यु का ही अंत कर दूंगा। लोग अपना बल भूल गए हो या युद्ध करना? देख क्या रहे हो? अंत कर दो इस अश्वरूप का। उठाओ। तुम में शक्ति है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अनर्थ कार्य कर रही है। शक्ति के संतुलन के लिए मैं तुम्हारी बुद्धि को आज समाप्त कर दूंगा। बुद्धि होगी अवश्य, परंतु उनका संचालन किसी और के हाथ में होगा। हे प्रभु, आप कौन हैं? हमें दर्शन दें। हे अशोक, इस संसार में तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, किंतु अपने बल के अहंकार के कारण तुम अधर्म के मार्ग पर चल पड़े थे। प्रभु, आपने हमारा उद्धार करके हमें धन्य कर दिया। मुझे धारण करे प्रभु। हे बालक और उसके तीन भ्राता, जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसे धारण करता हूँ। आज से तुम चारों मेरे दिव्य रथ के दिव्य शो। मैं तुम सबको अपने भीतर धारण करता हूँ। मैं अपनी बिटिया का ऐसा उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। बिटिया, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। तुमने इस आयु में जो साहस और बुद्धिमता दिखाई है वो बड़े बड़े नहीं दिखा सकते। बिटिया, तुमने जो किया अपने लोगों के हित के लिए किया। ईश्वर कभी ऐसे दयालु और परोपकारी लोगों का साथ नहीं छोड़ते। ये पितृ दोष अवश्य हट जाएगा। कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? कुछ पता भी है ब्रह्मदेव का शीश हमें कहाँ मिलेगा? नहीं ना, फिर युगों पहले घट चुकी घटना का पुनरावृत्ति कैसे होगी? कीर्ति, तुम्हारी चिंता को मैं समझ सकता हूँ, किंतु यदि गुरुदेव ने कुछ कहा है तो अवश्य उसके पीछे कोई कारण होगा, और यहाँ से पुष्कर उतना दूर भी नहीं है। मुझे तो ये यात्रा का अंत होते नहीं दिख रहा। मैया, बाबा उचित ही तो कह रहे हैं। इस संसार में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। कदाचित ये यात्रा मुझे मेरे जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक ले जाए। देखिए, मुझे ये स्थान ठीक लग रहा है। हमें यहाँ थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लेना चाहिए। तुम उचित कह रही हो कीर्ति, हम यहीं रुककर विश्राम करते हैं। चलो। काना,
आप इस संसार के प्रथम व्यक्ति हैं जिसने 16 कलाओं और दैविक शस्त्रों के साथ साथ धर्म ध्वजा को भी धारण किया है। इन्हें धारण करने के पश्चात मनुष्य ईश्वर तुल्य हो जाता है। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ और सदैव आपका शिष्य ही रहूंगा। यह आपकी मानता है कान्हा, किंतु आज मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि तुम्हारे गुरु होने मात्र से मेरा यश, मेरी कीर्ति दसों दिशाओं में फैल जाएगी और युगों युगों तक संसार में मुझे ऐसे गुरु के रूप में जाना जाएगा जिसने कान्हा को कृष्ण बना दिया। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने सभी शस्त्रों को धारण कर लिया है। बताइए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? आहा, अब आज्ञा नहीं, आरती होगी तुम्हारी। प्रणाम गुरु माता। किंतु मैं तो आपका शिष्य हूँ गुरु माता, आरती तो मुझे आपकी करनी चाहिए, आपको मेरी नहीं। काना, अब केवल तुम हमारे शिष्य नहीं रहे अपितु कला, गुण, ज्ञान, संस्कार के प्रतीक हो गए हैं, इसीलिए अब हम तुम्हारी आरती करेंगे। ईश्वर तुल्य हो गए हैं, अब आपको जो भी करना है ईश्वर की प्रेरणा से करना है और ईश्वर की इच्छा क्या है ये जानने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। गाना जो आज्ञा गुरुदेव। हे प्रभु, परमात्मा श्री कृष्ण ने कौमुदकी गदा, सारंग धनुष, यथे रथ, बालहक अश्व और अब धर्म ध्वज को भी प्राप्त कर लिया है। अब केवल उन्हें सुदर्शन चक्र धारण करना है। नारायण नारायण। प्रभु, इंद्रदेव सत्य कह रहे हैं। हाँ इंद्रदेव, यह अमोघ अस्त्र देवत्व का प्रतीक है, इसलिए कान्हा सुदर्शन चक्र को धारण करते ही परम अवतार श्री कृष्ण के अवतार से ईश्वरीय रूप हो जाएंगे। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सभी देव कान्हा का सुदर्शन संस्कार करना चाहते हैं ताकि वह नर से नारायण की यात्रा पर आगे बढ़ सके। देवों, मनुष्य को देवत्व प्रदान करने का यह अधिकार आपको है। यदि आप कान्हा को पूर्ण समझते हैं, यदि आप सभी इस बात से सहमत हैं कि मेरे अवतार कान्हा का सुदर्शन संस्कार करना चाहिए तो इसके लिए आप सभी को मेरी पूर्ण आज्ञा है। क्षमा नारायण। प्रणाम गुरुदेव। परंतु मैं आप सबकी बातों से सहमत नहीं हूं। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? इंद्रदेव, क्या आप चाहते हैं कि एक नन्हा सा बालक सुदर्शन चक्र धारण करे? संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, और कहां वो नन्हा सा बालक, और कहां एक माखन खाने वाला ग्वाला। मैं आप सबके विचार से सहमत नहीं हूं। किंतु ऋषिवर, कान्हा ने अपनी बल, बुद्धि और सामर्थ्य से ही संसार के सभी दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया है। संसार की सभी कलाएं धारण करने वाले वे प्रथम पुरुष हैं और सबसे बढ़कर वो साक्षात नारायण के अवतार। नारायण का अवतार होने मात्र से कोई भी व्यक्ति सुदर्शन चक्र धारण करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। ऋषिवर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। काना को सुदर्शन चक्र तभी प्राप्त होना चाहिए जब वो उसके योग्य हो। ऋषिवर, आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, तो आप ही में बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हे नारायण, कोई भी मनुष्य
तभी देवत्व को प्राप्त कर सकता है जब वो सर्वगुण संपन्न हो। कहीं बाबा के स्वभाव में कहीं ये बदलाव उस धूम्र के कारण तो नहीं? आप बिल्कुल सत्य सोच रही हैं। हम कंखल की स्त्रियों का वास्तविक शत्रु तो ये धुआं ही है। इस धूम्र में ऐसी क्या विशेष बात है जिसके कारण पुरुष स्त्रियों के विरुद्ध हो जाते हैं? ये कोई साधारण धुआं नहीं है, ये उस हवन कुंड का धुआं है जहां महाराज दक्ष का शीश कटकर गिरा था। महाराज दक्ष का शीश, उसे ही प्राप्त करने तो हम यहाँ आए हैं। कहाँ है वो हवन कुंड जहाँ महाराज दक्ष का वो शीश कटकर गिरा था? वैसे तो हमें बताने की अनुमति नहीं है, किंतु हमें लगता है कि आप ही इन बंधनों से हमें मुक्त करा सकती हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए। सुंदर, सुस्वादु, तृप्तिदायक ये खीर खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ब्राह्मण देव, क्या मैं और खीर मंगवाऊं? नहीं खाना, ये खीर खाकर तो जैसे जन्म जन्मांतर की भूख मिट गई। अब मैं विश्राम करना चाहूंगा, किंतु जब तक मैं विश्राम करूं तुम पंखा झलोगे और तुम मेरे चरण दबाओगे। स्मरण रहे, विश्राम के उपरांत जब मेरी आंखें खुले तो तुम दोनों अगर मेरे सम्मुख नहीं हुए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इतना नकारात्मक प्रभाव, ये अवश्य ही वही कुंड है। स्त्रियां इस संसार में केवल मूर्खों को ही नहीं अपितु विद्वानों को भी पदभ्रष्ट करने और उन्हें काम और क्रोध का दास बना देने में सक्षम होती हैं। इसलिए आज से स्त्रियों के मन, वचन और कर्म सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं समाप्त की जाती हैं। आज के पश्चात विवाह के पूर्व स्त्री एवं विवाह के पश्चात अपने पति की दासी बनकर रहेंगी और ये प्रजापति दक्ष का आदेश है। पिताश्री, मेरे एक स्वतंत्र निर्णय के कारण आपने स्त्रियों से उनके सारे अधिकार छीन लिए, उनसे उनकी सारी स्वतंत्रता छीन ली, और जब स्वतंत्रता ही नहीं तो जीवन कैसा? इसलिए आज मैं अपने पिता के सम्मुख अपना जीवन समाप्त करती हूँ। दक्ष, तुम केवल एक पुत्री, एक पत्नी और एक स्त्री के दोषी नहीं हो, तुम समस्त स्त्री जाति के दोषी हो। इसलिए महादेव के आदेश से मैं अहंकार से उठे हुए तुम्हारे शीश का अंत करता हूं।
दक्ष का शीश तो कट गया पर उस शीश की ऊर्जा आज भी जीवित है।